बेस डंपर में जो अच्छी खासी जो है वो स्पार जो है वो पत्थर बन चुके थे। चेक करें इस तरह मेरे सामने ये पड़े हुए हैं, आप लोग नज़र आ रही होंगी, इनको निकाल के बाहर फेंक रहे हैं अभी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अवैस इकबाल और आप देख रहे जी अपना यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे जी। अल्लाह पाक आप सबको अपने जुमान में रखे। वेलकम करता हूँ जी आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल में, हाजिर जी रोड की एक नई वीडियो के साथ, एक नई अपडेट के साथ। शारा कश्मीर यानी कश्मीर रोड, आज़ाद जम्मू कश्मीर, डढ़याल दान गली तकल रस्से जो रोड बन रही है, इसकी अपडेट के साथ। और वीडियो का तीसरा पार्ट है जी, अगर आप लोगों ने पहले दो पार्ट नहीं देखे तो चैनल पर अपलोड है, वो लाजमी जाके देख लीजिए। आप लोगों को बताता हुआ आ रहा हूँ, फेज़ वन में जी सेकंड लेयर कारपेट का काम शुरू हो चुका है जी। अभी सहोट में जी दोबारा काम शुरू किया गया कामरान होटल के करीब से। ये पीछे जी कामरान होटल है इस तरफ, और चेक कर सकते हैं आप अभी जी अच्छा खासा एरिया यहाँ पर कवर कर चुके हैं। तीन डैम्पर तकरीबन यहाँ पर मुकम्मल खाली कर दिए गए हैं जी, एस्फाल्ट की जा रही है, साथ साथ चेक करें मशीन मूव करती हुई और बेहतरीन सुपरवाइजर की निगरानी में यहाँ पर काम होता हुआ जी। लेवल वगैरह भी साथ साथ चेक कर रहे हैं जी, जो जो कारपेट बिछती हुई जा रही है। और पहले दो पार्ट में भी आप लोगों को दिखाया जी, इसी तरफ काम जो जारी था, और अभी तीसरा पार्ट आप लोग देख रहे हैं जी। और उम्मीद है जी आज तकरीबन 12-1 बजे तक शायद एक साइड यहाँ पर कारपेट कर लें, सेकेंड लेयर जो है वो, और उसके बाद जिस साइड पर भी ट्रैफिक चल रही है, खाने के बाद ही दोबारा, अमूमन तो यही होता है जी, खाने के बाद ही दोबारा दूसरी साइड का काम शुरू करते हैं। तो इंशाल्लाह जो भी होगा आप लोगों को अपडेट करते रहेंगे, आने वाले दिनों में भी वीडियोस देखते रहिएगा, और आने वाले दिनों में आप लोगों को जी फेज़ वन के रिलेटेड आप लोगों को अपडेट, सॉरी फेज़ टू के रिलेटेड आप लोगों को अपडेट करेंगे। फेज़ टू यानी सर सुबह शाह से लेकर दान गली तक जो फेज़ है जी, उस ठेकेदार ने भी हल्का फुल्का काम शुरू किया जी कुछ जगहों पर, वो भी आप लोगों को अपडेट करेंगे। बाकी चेक कर सकते हैं आप जी साइडों पर जो एस्फाल्ट गिर रही है, वो लेबर वगैरह बेल चुकी बटन से उठा के जी, जहाँ पर कम है जी एस्फाल्ट वहाँ पर डालती हुई जा रही है। बाकी इस तरफ जी रोलर काम कर रहे हैं, चेक करें पहले कूलिंग वाला रोलर काम करता है, उसके बाद दो रोलर काम करते हैं जी, जो कि बिल्कुल कमरान होटल के सामने खड़े हैं जी। अभी अभी एक साइड पे ट्रैफिक रोक के दूसरी साइड पे चलाई जाती है जी, हल्का फुल्का वाम खुद भी तावन कर रही है साथ साथ, तो इसके बेहतर हो जाता है कभी तावन ना करे तो उसकी वजह से कभी कभी शरीर जो है वो ट्रैफिक जैम यहाँ पर लग जाता है जी, क्योंकि एक साइड है जी और आने और जाने वाले जो ट्रैफिक है वो एक ही साइड रोड की इस्तेमाल कर रही है, उसकी वजह से जी कभी कभी यहाँ पर रश बन जाता है जहाँ पर एस्फाल्ट कर रहे होते हैं साथ साथ। अभी इस डंपर में जी अच्छी खासी जो है वो एस्फाल्ट जो है वो पत्थर बन चुके थे, चेक करें इस तरह मेरे सामने ये पड़े हुए हैं, आप लोग नज़र आ रही होंगे, इनको निकाल के बाहर फेंक रहे हैं। अभी उस तरफ टैंक में जी अच्छे खासे पत्थर चले गए, वो भी निकालेंगे जी अभी साथ साथ, और फिर दोबारा जी एस्फाल्ट करना शुरू करेंगे जी। अभी सुपरवाइजर वही चेक कर रहे हैं साथ साथ, तकरीबन तीसरा डैम्पर यहाँ पर काम कर रहे हैं जी, और अभी मजीद आगे तीन चार डैम्पर यहाँ पर मौजूद हैं जी, और उम्मीद है जी आज ही दूसरी साइड भी यहाँ पर सेकंड लेयर कारपेट कर दी जाएगी जी। तो अभी चेक कर जी, अभी थोड़ी देर काम रोका गया यहाँ पर, मशीन की सफाई वगैरह कर रहे हैं साथ साथ, जो पत्थर से बन गए थे जी एस्फाल्ट के, वो मशीन में स्टॉक हुए हैं, तो उसके लिए मशीन की सफाई करेंगे, दोबारा एस्फाल्ट जो करना शुरू करेंगे, शायद डैम्पर चेंज भी करें, तो इंशाल्लाह जो होगा आप लोगों को अपडेट करेंगे। अभी पीछे से आप लोगों को दिखाते हैं जी कहाँ से लेकर जी आज जो है वो एस्फाल्ट की जा रही है, अभी करनी नहीं जी वो आगे तक जी, आगे डैम्पर अच्छे खासे खड़े हैं जी वो उस तरफ तक। तो सहोट की जो मेन अड्डा है जी, जो गाड़ियों का अड्डा कलर सेदा के लिए गाड़ी जाती हैं, वहाँ तक उम्मीद है जी आज एस्फाल्ट करेंगे। सेकेंड साइड जी वो भी इंशाल्लाह 12 के बाद शुरू करेंगे, आप लोगों को अपडेट करते रहेंगे। अभी पीछे से आप लोगों को दिखाते हैं जी कहाँ से आज जो है वो एस्फाल्ट का काम शुरू किया गया, चेक करें अभी रोलर वगैरह जी अपना काम कर रहे हैं साथ साथ जितना इनका होगा, और बाकी मजीद आज कहाँ से काम शुरू किया गया उसी तरफ आप लोगों को लेके जा रहा हूँ जी। चौहा खालसा से इंटर हूँ सहोट में जी, वहाँ से आज एस्फाल्ट डालने का जी काम शुरू किया गया, और अभी तकरीबन सहोट की जो अड्डा है जी गाड़ियों का, तो वहाँ तक जी इंशाल्लाह आज ये करेंगे जी। अच्छा खासा एरिया है जी ये भी, कामरान होटल के करीब अभी मैं आ चुका हूँ जी, चेक करें, और यहाँ की सूरत हाल से आप लोगों को आगाह कर रहा हूँ जी। चेक करें अभी रोलर जी अपना काम कर रहे हैं, क्योंकि मशीन थोड़ी देर रोकी गई है जी, कारपेट जो बिछाने वाली मशीन है उसको थोड़ी देर रोका गया है जी, वो मशीन अभी सफाई में रख करके जी दोबारा
अपना काम शुरू करेगी, क्योंकि कब कई बार होता है जी इसी तरह जो कुछ हल्की फुल्की जो इस्फाल्ट ठंडी हो जाती है तो वो थोड़ी हार्ड बन जाती है, तो हार्ड को तोड़ना मुश्किल होता है जी। इस मशीन का काम सिर्फ जी रोल करना होता है इस्फाल्ट को, ये इस्फाल्ट को क्रश नहीं करती साथ साथ। तो अभी देखें जितनी देर लगती है यहाँ पर इस्फाल्ट मशीन जो है वो सेट होने में, और उसके बाद ही दोबारा जी आगे का काम शुरू करेंगे। इंशाल्लाह आप लोगों को अपडेट करते रहेंगे। और अभी अगर आज ही किया गया जी सेकंड साइड का काम, तो वो भी इंशाल्लाह आने वाले दिनों में आप लोग वीडियो द्वारा देखेंगे। अभी चेक करें जी, बिल्कुल रूलर अपना काम कर रहे हैं जी। जितना एरिया इनका कारपेट बिछा दी गई है उसको जी प्रेस करके बिल्कुल क्लियर किया जा रहा है यहाँ पर। अभी मैं आप लोगों को लेकर जा रहा हूँ जी जहाँ से आज इस्फाल्ट डालना शुरू की गई है जी। अच्छे खासे एरिया में जी अभी कर चुके, तकरीबन एक साइड जो इन्होंने करनी थी रोड की, एक साइड जो जिस साइड में अभी इस्फाल्ट हो रही है, आधी जो आज के दिन करनी है इन्होंने तकरीबन आधी कर चुके हैं जी। और आज के दिन ही उम्मीद है जी दूसरी साइड, एक साइड से अभी आप लोग देख रहे हैं ये साइड थोड़ी नीची है और नई साइड जो है वो थोड़ी ऊंची है, वो आज ही जी उम्मीद है वो भी आज ही जो है वो इस्फाल्ट की जाएगी जी। चेक करें, फिर बेहतरीन अभी आधा पौना घंटा, घंटा भी कह लें तकरीबन, ये रूलर काम करते रहेंगे जी अपना यहाँ पर, उसे ये होगा जी ठीक ठाक जो है वो प्रेस हो जाएगी ये और बेहतरीन यहाँ पर हो जाएगी जी। और वो आगे जी इस्फाल्ट मशीन वहाँ पर तक पहुँची है अभी, और अभी इसकी सफाई का काम यहाँ पर जारी है जी। चेक करें जी, अभी रूलर का जी दोबारा वापस यहाँ पर लाया जाएगा। और अभी ये रूलर भी जी साथ साथ अभी अपना काम करता हुआ जी, दो रूलर सिर्फ जी प्रेस का काम करते हैं यहाँ पर, ये आप लोगों को नज़र आ रहा होगा जिनकी शेप सेम है, और एक आगे इस तरफ जा रहा है, और इसके आगे जो रूलर लगा हुआ जी वो उसके ऊपर पानी की टैंकी भी लगी हुई है, साथ साथ कूलिंग का काम करता है, इस्फाल्ट को ठंडा कर रहा होता है और साथ साथ प्रेस भी कर रहा होता है जी। तो ये सूरत हाल है जी जहाँ से आप लोगों को जी अपडेट कर रहा था। तो अभी सहोट में जी कमरान होटल के करीब ये सेकंड लेयर जो इस्फाल्ट करनी थी उसका जी तकरीबन आधी हो चुकी है, जो जहाँ तक करनी है इन्होंने जी आज, और दूसरी साइड अभी रह गई है तकरीबन, कह लें कि तकरीबन 25-30% काम इनका जी आज का मुकम्मल हो चुका है, और अभी बाकी काम रह गया दूसरी साइड जो जिस साइड से अभी आप लोगों को ट्रैफिक गुजरती नज़र आ रही है, ये जी खाने के बाद करते हैं। उनके आने वाले दिनों में आप लोग वीडियोज़ देखेंगे, अपडेट करते रहेंगे आप लोगों को जी, जो जो काम साथ साथ होता रहेगा जी। अभी जहाँ से शुरू किए गए जी आज इस्फाल्ट, उसी तरफ आप लोगों को लेके जा रहा हूँ, ये आप लोगों को जी आगे सामने नज़र आ रही होगी। यहाँ तक जी काफ़ी दिन पहले इस्फाल्ट कर दी गई थी, लेकिन पिछले दो दिन भी इनका इरादा था इस्फाल्ट करने का, लेकिन बारिश लगातार पूरा दिन रही है जी, उसकी वजह से इस्फाल्ट नहीं हो सकी। ये चेक करें जी, ये आगे बोर्ड आप लोगों को नज़र आ रहा होगा जी, ये यहाँ से एक साइड का काम शुरू किया गया, अलबत्त दोनों साइड है जी, एक साइड यहाँ तक जी एक्स्ट्रा इस्फाल्ट कर दी गई थी, ये आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, ये जंप बन गया जी, ये चक्कर 2 इंच की साइड एक ये और 2 इंच की साइड ये। तो खैर जी अभी वीडियो को ड्रैग नहीं करेंगे, तो वीडियो करते हैं, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आप लोग जी हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, और इंशाल्लाह जी आपको मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। सामने व्यू चेक करें जी पहाड़ों का, बेहतरीन खूबसूरत व्यू।